चीखता है उसका मुंह जो है नोच लूं, कोई इस तरह से काम करता है, दफा हो जाओ मेरे आंखों के सामने से। देखो मेरे सामने मत आओ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, गुस्से से मेरा सर जो है फटा जा रहा है। If you like my videos, then please subscribe my channel and click the bell icon to get notified on each and every video upload. And this process is totally free. दोस्तों, गुस्सा एक feelings नहीं है, actually ये एक energy है, और ये आप पे depend करता है कि आप इस energy को positively लें या फिर negatively. कई बार हम लोग गुस्सा जब होते हैं, उसके पीछे बहुत सारे reasons होता है. शायद हम लोग कोई काम कर रहे जो कि ठीक नहीं है, या फिर ठीक है, हमारा कोई काम सामने वाले का एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर रहा है, कई बार कई काम हम लोगों का एक्सपेक्टेशन जो है फुलफिल नहीं कर रहा है, तो सामने वाला आदमी खड़ी खोटी सुना देता है। अगर हम भी उन लोगों की खड़ी खोटी के रिस्पॉन्स में दो चार बातें और बोल दें तो क्या होगा, कुत्ते बिल्ली की लड़ाई जो है वो चालू हो जाएगा। वो दो बातें कहेंगे, मैं चार बातें कहूँगी। एट द एंड ऑफ द डे शायद उस पर्सन से हमारा रिलेशन जो है वो खराब हो जाए। अगर हम लोग हमारे गुस्से को किसी और पे में ही निकाल के, सिर्फ किसी टॉपिक पे निकाले, कोई सब्जेक्ट पे निकाले, तो क्या होगा। दोस्तों, गुस्से से रिलेटेड है टॉपिक और गुस्से से रिलेटेड है सिचुएशन, गुस्से से रिलेटेड है पर्सन। हम लोग अगर हमारा गुस्सा किसी पर्सन पे निकाल दें तो क्या होगा। शायद वो पर्सन हम खुद हो, शायद वो पर्सन हमारे फ्रेंड हो, या फिर शायद वो पर्सन हमारे बहुत करीबी कोई रिश्तेदार हो या फिर पेरेंट्स हो। अगर वो हमको कोई बातें सुनाए और हम लोग उसके रिस्पॉन्स में कोई और बातें बनाए, तो फिर क्या होगा, हम लोगों के साथ उन लोगों का डिस्टेंस जो है वो बढ़ने लगेगा, साथ ही साथ हम लोगों की रिलेशन जो है वो खराब होने लगेगा। आप लोगों पे गुस्सा मत उतारिए, आप सिचुएशंस पे गुस्सा मत उतारिए, तो आप उतारेंगे किस पे अपना गुस्सा। आपको गुस्सा उतारना है टॉपिक पे, यानी कि आपको कोई आदमी जिस बात को लेके आपको कुछ बता रहा है, जिस बात को लेके आपको रिव्यू कर रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। उस बात को आप अपनी नेगेटिव में मत जाने दीजिए। वो शायद आपको बोल रहा है कि तुम्हारी कमी इस बात में है, तुम ये काम ठीक तरह से नहीं कर सकते हैं। प्लीज़ ध्यान से सुनिए, प्लीज़ काम होकर सुनिए, और फिर वो जो कह रहा है उसको अपने अंदर ले लीजिए और ये ठान लीजिए कि आपको वो काम सही तरह से करना है, सही तरीके से करना है। आपको जीरो से हीरो बनना है, किसी को कोई भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि आपको ठीक होना है, फिर आगे आगे पूरी दुनिया जो है वो मान लेंगे कि आप ठीक हैं। हो सकता है आप में कोई कमी है, तो प्लीज़ उस कमी को एडमिट कर लीजिए और कुछ ऐसा काम कीजिए ताकि जो आज आप पे गुस्सा है, कल वही आपको बताए कि आपने ये काम बहुत सुंदर से किया है, लाजवाब से किया है, आप यू हैव डन अ गुड जॉब। अगर आपके अंदर खामियां नहीं है और आप फिर भी सोच रहे हैं कि सामने वाला, चाहे वो बॉस हो या फिर आपके पेरेंट्स या फिर आपके दोस्त, आप पे बेवजह ही गुस्सा निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे। तो भी मैं कहूँगी, प्लीज़ थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा कूल हो जाइए, सिचुएशन के समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपका सामने वाला आदमी भी फ्रस्ट्रेशन में हो, वो आप पे गुस्सा निकाल रहे हैं, थोड़ी देर बाद शायद खुद वो आके आपसे माफ़ी मांगेंगे। और अगर वो माफ़ी ना भी मांगे तो क्या हुआ, आप अगर जानते हैं कि आप ठीक हैं, तो आप अपने डिसीजन पे डटे रहिए, आप जो सही सोच रहे हैं वही कीजिए, आपको किसी को कॉन्फ्यूज कराने की ज़रूरत नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, आपके अंदर में एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। गुस्सा जो है, जब हम गुस्से होते हैं हमारे बॉडी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाता है, दैट मीन्स गुस्सा तो एक एनर्जी है। प्लीज़ उस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कीजिए, आप ही उसको चैनलाइज कर सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज कर लीजिए। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ चैनलाइज योर गुस्सा, प्लीज़ चैनलाइज योर एंगर फ्रॉम नेगेटिव डायरेक्शन टू पॉजिटिव डायरेक्शन। तो नेक्स्ट टाइम जब भी गुस्से वाला कोई भी मोमेंट आए, तो प्लीज़ शांत हो जाइए, अपने आप में खुद को रियलाइज कराइए कि जो कुछ हो रहा है आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, शायद इससे आपको लेसन पाए, शायद ये आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाए। प्लीज़ शांत हो जाइए, गुस्से का जो नेगेटिव
साइड है उसको पॉजिटिव साइड में ले आइए और देखते ही देखते आप तरक्की की बुलंदियों पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो हेल्पफुल लगा है, और अगर आपको मेरा ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बहुत जल्दी मैं आप लोगों के पास फिर से वापस आऊँगी, तब तक काइंडली मुझे मेरे अदर सोशल साइट्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। बाय।